एतिमान चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं मनप्रीत सिमी कर दी हां निघा स्वागत। होर बतेरे जानकारी दे लई बने रहो साडे चैनल दे नाल। विश्वकर्मा मंदिर कुराली विखे नगर कौंसल कुराली वालों कौंसलर नंदीपाल बंसल की देखरेख हेठ कोविड 19 वैक्सीन लगाउण दा फ्री कैंप लगाया गया। इस कैंप दौरान श्री विश्वकर्मा मंदिर सभा के समूह मैंबर अते रामगढ़िया अकाल जत्थेबंदी के मैंबरां वालों काफ़ी सेवा निभाई गई। आओ गलबात करते हाँ इत्थे मौजूद शख्सियतां दे नाल। सो एतिमान चैनल देख रहे सारे दर्शकों मेरे वालों यानी मनप्रीत सिमी वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अजे जो कैंप तुसी देख रहे हो वैक्सीनेशन का जड़ा लग्या होया ये विश्वकर्मा मंदिर दे विच लग्या होया। सो इत्थे नगर कौंसल दे नवे बने प्रधान रणजीत सिंह जीती जी भी पहुँचे ने। सो कल भी उन्होंने वालों लाला वाले पीर की जड़े उत्थे लग्या सी वैक्सीन उत्थे भी पहुँच की गई सी। सो अजे इत्थे भी पहुँचे ने। सो वधेरे जानकारी दे लई गलबात करदे उन्होंने नाल। सो सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर की कहना चाहते हो तुसी हर छोटी वड्डी जगह जिहड़ी शमूलियत कर रहे हो। साडा अज जो विश्वकर्मा मंदिर सभा ने एडा वड्डा उपराला किया है वैक्सीनेशन कैंप जो इत्थे लवाया इन्हां ने एक मानवता की अज के टाइम सच्ची सेवा है। ये तो मेरे ख्याल वड्डी कोई सेवा नहीं जिहड़ी अज कर रहे ने वड्डा उपराला किया। तो दो दिन पहला इन्हां ने प्रोपर मुनादी वगैरह करा के इत्थे 400 मतलब बंदियां नूं वैक्सीनेट किया है। तो बहुत वड्डा उपराला है। तो मैं धन्यवाद करदा है विश्वकर्मा मंदिर सभा का। तो होर भी यह उपराले इतने करते रहे हैं। एक इन्होंने वड्डी लबोरेटरी इतने चैरिटेबल लबोरेटरी खोली है जिहड़ी कि गरीबों लई बहुत जरूरी है। अज दे हैल्थ दे संबंध च गरीब बंदा कितने इलाज नहीं करा सकता पर जिवें इन्होंने बहुत घट पैसों च एक चैरिटेबल लबोरेटरी खोली है। मैं सारे शहर वनियों इन्हों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना विश्वकर्मा मंदिर सभा का। तो उम्मीद रखना अगे नूं भी कोई यह वधिया उपराले करते रहेंगे जिथे साडा अपनी कौंसल का इन्हों सहयोग की लोड़ हुई असी जरूर करांगे इन्हों का। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर जिहड़े फ्री ऑफ कॉस्ट जिवें लग रहे ने वैक्सीनेशन हो रही है सर लोगों की जेब मुताबक हो रही है की कहना चाहते हो बारे? देखो ये पंजाब सरकार वालों जिहड़ी है फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दी जा रही है क्योंकि ये बीमारी जिहड़ी है बहुत प्रकोप इहदा वध गया। प्रकोप वधण दे नाल लोग भी थोड़ा जागरूक हो गए। पहला लोग इंजैक्शन लगाउण तो डरदे सी हुण लोगों नूं पता लग गया कि तीजा फेज भी बीमारी का शुरू होने जा रहा। इस करके लोगों ज़्यादा इस बीमारी इंजैक्शन लगाउण दा लोगों ज़्यादा देखा जा उत्साह देखा जा रहा। लोग ज़्यादा उत्साहित होकर इंजैक्शन लगाना चाहते हैं क्योंकि सब तो जरूरी सेहत है। लोगों को पता लगन लग गया कि सेहत जी सब तो जरूरी है क्योंकि बीमारी साढ़े देश नहीं वर्ल्ड ही फैली हुई है। सो इस करके लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये असी सरकार का धन्यवाद करते पंजाब का कि जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाई हूँ 18 तो 45 वाले भी लगन लग गई है। अच्छ साढ़े को 18 तो 45 वाले भी लग रही है थले वाले। सो सर अज जिमें करोना वैक्सीन लैके जो कैंप्स लग रहे हैं शहर कुराली के वक् वक् थावान उत्ते लग रहे हैं सो की कहना चाहते हो सर? एक सरकार का बहुत वधिया उपराला कि लोगों फ्री वैक्सीन मुहैया करा के इस बीमारी तो निजात दवाने लई एक मैं कहां कि ये तो वधिया एफर्ट नहीं हो सकती और लोग इसका लाहा लेना शुरू कर दिता। पहले थोड़ा डरते सी पर जदों का असी कह सकते हैं पिछले 10-15 दिन लोगों ने बड़े अवेयर हो गए हैं और असी देख रहे हैं अज्ज दे कैंप च कि सवेर के लोगों का आना नहीं रुक रहा और असी तकरीबन 400 के करीब अपने जी टीम बढ़ाई और रजिस्टर कर चुकी है जिन्होंने अज वैक्सीनेट हो। सर की कहना चाहते हो जिमें इन्होंने वालों दसिया जा रहा है कि 400 के करीब जी है और रजिस्ट्रेशन हो चुकी है सो लोगों के जी एक जागरूकता काफ़ी अच्छे तरीके दे नाल फैल चुकी है की कहना चाहते हो सर? बड़ी खुशी की गल है जिदा पहला असं कैंप लाते लोगों को सूँ ना दसना पैंता सी जाके घर कराओ जी वैक्सीन लवाओ पर हुण लोग ना जी अज देखने को मिलता है भी विश्वकर्मा सभा ने जिहड़ा लाया अज कैंप इस लोग अपने आप आ रहे हैं।
ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 75% ਸਿਕਿਓਰ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਿਕਿਓਰ ਹੈ ਪੂਰੀ। मैं पहला भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करदा पंजाब सरकार का भी खास करके साढ़े जड़े सेहत मंत्री हैं सरदार बलबीर सिंह सिद्धू जी उन्हों का भी जिन्हों ने साढ़े शहर के वक्वक वार्डों के वक्वक टीम भेज के रोज़ ये वैक्सीन जो टीके लग रहे हैं मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा और अपने शहर वासियों को यह संदेश देना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति 18 साल के उपर वाला है वह टीके के बगैर रह ना जाए। असी घर घर सुनेहा भी दे रहे हैं जिथे जिथे कैंप लगूंगे उत्थे जा जाके भी असी टीके वध तो वध लवाऊंगे क्योंकि जे बीमारी आपां ने खत्म करना है ये चैन तोड़नी है तो सानू टीका लगाना बहुत जरूरी है और असी जो सरकार की पालना वो भी असी मननी चाहिए है मेरा यही विचार है। मैं अपने वार्ड नंबर 6 के सारे निवासियों का धन्यवाद करदा है जिन्होंने 80% लोगों ने उरे आके टीके लवाए पहले भी लवाए हुण भी लवाए और जिहड़े रह गए मैं उन्होंने अगे बेनती करदा है कि वह आके कैंपा के टीके लवाण तो साढ़े शहर के जै कोई किसी तरह की बीमारी फैलने का खतरा उन्होंने आप दूर करिए। सर जी हम वैक्सीनेशन नू लेके लोगों नू बहुता समझाना नहीं पै रहा लोग काफ़ी जड़े आप ही अवेयर हो चुके हैं सो की कहना चाहते हो जो हाले भी लोग जो नहीं लवा रहे नहीं कुछ लोगों के बहम है भी टीका लवाने के बाद शायद सानू कुछ हो जूगा पर मैं उन्होंने ये दसना चाहता है भी मैं भी लवाया मेरे परिवार ने भी लवाया सारे लवा रहे हैं भी किसी तरह का कोई भी कोई दिक्कत नहीं है ना ही कोई बीमारी होर तरह की लगती है और जै किसी छोटी मोटी शुगर वाले बीमारी है या होर है वह सरकारी हस्पताल में जाके लवा सकता है डॉक्टर से पुछ के वह अपनी वैक्सीन करा सकता है। कुछ लोग डरते हैं भी शायद सानू कुछ हो जूगा मैं कहना कुछ भी नहीं होता बिल्कुल ठीक रहूँगा साढ़े शहर के हर किसी लगना चाहिए। थैंक यू सर। सत श्रीकाल सर की कहना चाहते हो अज जो रश वेख के जो लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये जिहड़ी कोरोना महामारी का ना हुण प्रकोप बहुत तेजी नाल वध रहा है इस तेजी नूं वेख के लोगों की अवेयरनैस भी ऑटोमैटिकली आनी चाहिए है तो आ भी रही है काफ़ी रश है तो सारिआं नूं बेनती है भी बहुत अच्छी गल है सारे वैक्सीनेट अपने आप नूं करवाओ। सर पिछले साल जी हैगी है कि कोरोना के टाइम जी सैनिटाइजेशन आ या जरूरतमंद लोगों की जी हैल्प है वो की जा रही थी सो इस साल किमें उपराले वालों किए जाएंगे। साढ़े माणयोग मुख्यमंत्री पंजाब महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की वधिया सोच मुताबक साढ़े सत्कारयोग सेहत मंत्री पंजाब सरदार बलबीर सिंह जी सिद्धू साहब के विशेष उपरालिया के सदका जड़ी ये महामारी पिछले साल तो साढ़े लोगों सता रही है पूरी दुनिया को सता रही है उन्होंने काबू के लिए ये जोड़े वैक्सीनेशन कैंप वगैरह लगाए जा रहे हैं साढ़े सत्कारयोग साढ़े इसे वार्ड के म्यूनसिपल कौंसलर साहब साढ़े शहरी कांग्रेस के प्रधान श्री नंदीपाल जी बांसल साहब की अगवाई जो ये अज का कैंप प्रतख में प्रमाण की लोड़ नहीं किन्ना लोगों च उत्साह है जी तो किन्ना लोगों डर भी है इस बीमारी का और मैं सारे समाज सेवी साढ़े प्रधान जी शिव वर्मा जी खड़े हैं और इन दिशा निर्देशों अनुसार असी सारे लोग घर घर जाके सारियां अवेयर कर रहे हैं कि आओ भाई सारे इस काम का लाहा लो कैंपा का लाहा लो ताकि जिहड़ी बीमारी है इतों सानू निजात मिले सानू कोई रिस्क ना रहे जी। सर जिहड़े उपराले ने मैं ये कह रही हूँ भी जिवें काफ़ी लोग ने जिहड़े जिन्हां नूं दिक्कत आ रही है क्योंकि जिहड़े काम ने दुकाना ने सारियां बंद ने सो पिछले साल जिहड़े तुहाडे वल्लों काफ़ी जिहड़ी हैल्प आ शहर कुराली के आम लोगों के लिए की गई सी सो इस साल जिहड़े हैगे आ उह किवें दे उपराले तुसीं करोगे अपने वल्लों या किवें दे तुसीं अपनियां रणनीतियां बना रहे हो इस लॉक मिनी लॉकडाउन नूं देखते हुए। साड़ी पंजाब सरकार ने जो फार्मूला अडोप्ट किया जी वो ये किया कि किसी का कारोबार भी थोड़ा बहुत चलता रहे जी वो वास्ते टाइमिंग ज जड़ा कैटागरी वाइज जी दुकाना खोलिया खोल भी रहे हैं जी ताकि किसी का कारोबार थोड़ा बहुत चलता रहे जी सरकार नाल दी नाल काम का भी ध्यान कर रही है तो नाल दी नाल बीमारी का भी ख्याल कर रही है जी। थैंक यू सर। किवें दी जानकारी जिहड़ी इत्थे तुसीं सांझी करना चाहुंदे हो किवें दीआं हदायतां जिहड़ीआं इत्थे पहुंचे लोकां नूं दे रहे हो। मैम मेनली आपां जिथे CVC कैंप अरेंज किया है तो कोविशील्ड वैक्सीन लगा रहे हैं पेशेंट नूं
ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮੋਸਟਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੋਕ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਬੀਪੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਪੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਰੇਂਜ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਲੈਵਲ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਪੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਮੈਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੈ, ਬਟ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ 19 ਈਅਰਸ ਓਲਡ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਤਿਨ ਸਰ, ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀ ਪੀ ਦੀ ਟਰਬਲ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਟਰਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀ ਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਬੀ ਪੀ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵਾਉਣ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵਾਉਣ। ਸੋ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲੰਗਸ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ 65% ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 96% 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਚਾਓ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਚਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿੱਤੀ, ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕਮੰਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਰੋਚਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਏਤੀਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।